जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस विद योर फैमिली. सब्जेक्ट इज ईवीएस क्लास 4 एंड वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर दैट इज 14. ओके, 14th चैप्टर. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज डायरेक्शन एंड मैप्स. डायरेक्शन को कहते हैं हम हिंदी में दिशा, जैसे वैसे बाद में बात करेंगे, फिर भी जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, मेन जो डायरेक्शन होती है हमारी, 4 डायरेक्शन होती है जिसपे जहाँ आगे बात करेंगे. एंड मैप्स, मैप्स को हम हिंदी में कहते हैं, ये प्लूरल है मैप. मैप मीन्स नक्शा या मानचित्र. सो डायरेक्शन एंड मैप्स मतलब दिशाएं एंड मानचित्र, ये हमारे चैप्टर का नाम है. सो इस ऑन कम्प्लीशन ऑफ टूडेज क्लास, बेसिकली माई प्लान इज टू कम्प्लीट द होल चैप्टर इन टू 2 क्लासेस. एक क्लास आज लेंगे, एक क्लास एक दिन बाद में लेंगे. सो 2 क्लास में इसको हम पूरा करेंगे. तो फर्स्ट क्लास में कम्प्लीट होने के बाद यू विल कम टू नो कि वाट इज पॉलिटिकल मैप, वाट इज फिजिकल मैप, वाट इज टोपोग्राफिक मैप, वाट इज थीमेटिक मैप. कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, आई गिव यू मोर हार्ड वर्ड्स, बट सम ऑफ देम आर रिटन हेयर, लाइक कार्टोग्राफर का क्या मतलब होता है, डेपिक्ट, लैंडमार्क एंड डेस्टिनेशन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन एंड मैप्स. राधिका received a birthday invitation card. राधी का नाम है, फीमेल. रिसीव मीन्स प्राप्त किया, अ बर्थडे जन्मदिन, बर्थडे होता है जन्मदिन, अ बर्थडे इन्विटेशन कार्ड. इन्विटेशन कार्ड को हम हिंदी में कहते हैं आमंत्रित. इन्विटेशन कार्ड मतलब आमंत्रित कार्ड कह सकते हैं. सो राधिका को बर्थडे का, जन्मदिन का, किसी के जन्मदिन का एक इन्विटेशन कार्ड मिला, आमंत्रित कार्ड मिला कि आपको उस बर्थडे पे वहाँ पे आना है. ऑन रीडिंग इट, जब उसने पढ़ा, शी वॉज ए लिटिल डिस्टर्ब. लिटिल मीन्स थोड़ा, डिस्टर्ब मीन्स हम सब जानते हैं, आई थिंक क्लास में सबसे ज़्यादा वर्ड टीचर यही बोलता है, डोंट डिस्टर्ब स्टूडेंट्स, कीप क्वाइट, डोंट डिस्टर्ब, है ना, ठीक है. सो शी वॉज अ लिटिल डिस्टर्ब्ड, जो राधिका थी वो थोड़ा डिस्टर्ब थी जब उसने उस इन्विटेशन को कार्ड को पढ़ा. एज द वेन्यू वॉज फार अवे फ्रॉम हर हाउस. रीजन क्या था उसका डिस्टर्ब होने का, एज द वेन्यू, वेन्यू का मतलब होती जगह या प्लेस, जहाँ पे बेसिकली उसको जाना था, राधिका को उस बर्थडे सेलिब्रेशन में जहाँ पे जाना था उस जगह को कहा गया वेन्यू. एज द वेन्यू मतलब वो जगह, प्लेस, वाज फार अवे, फार, फार मीन्स दूर, फ्रॉम हर हाउस, कि वो जगह उससे काफ़ी दूर थी. सो राधिका वाज लिटिल डिस्टर्ब, थोड़ा उसको मतलब वो डिस्टर्ब थी कि कैसे पहुँचा जाएगा, मैंने वो जगह देखी नहीं, कैसे जाऊँगी, है ना. टू हर रिलीफ, रिलीफ आर ई एल आई ई एफ, रिलीफ मीन्स बोलते ना एक तरह से सुधार या इम्प्रूव. सो टू हर रिलीफ, राधिका को रिलीफ देने के लिए, थोड़ा सुधार, थोड़ा उसको ईजी बनाने के लिए, देयर वॉज ए रूट मैप अटैच्ड विद द कार्ड. जो इनविटेशन कार्ड मिला था उसके साथ एक रूट मैप था. रूट मैप को हिंदी में कहते हैं रूट मैप मीन्स मानचित्र. सो वहाँ तक जाने के लिए एक रूट मैप था, मानचित्र था. हम देखते हैं ना, नक्शे देखते हैं हम क्लासेस में भी, टीचर्स आपको नक्शे दिखाते हैं, कई तरह के नक्शे दिखाते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे. लेकिन रूट मैप का मतलब होता है कि जैसे हमको यहाँ से जयपुर जाना हो, तो अब हम कभी जयपुर में, जयपुर बहुत बड़ा है, तो जयपुर में अगर किसी के हम घर, हमें जाना हो, हमें नहीं मालूम है, तो जिसके घर जा रहे हैं वो अगर हमें रूट मैप भेज देता है या हम रूट मैप का पता लगा लेते हैं, तो उस रूट मैप से हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि यस, जयपुर में हमें, अगर हम बस से जा रहे हैं तो बस से कहाँ, हमें बस से उतरना है, फिर वहाँ से
कहाँ किस साइड में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कितना चलना है, उस रोड का नाम क्या है, फिर वहाँ पे क्या लैंडमार्क आएगा, वहाँ से उतर के कैसे जाना है, उसी को बोलते हैं रूट मैप। रूट मैप मीन्स मानचित्र। सो राधिका को रिलीफ देने के लिए जो इनविटेशन कार्ड था उसके साथ एक रूट मैप अटैच था। इट हैड ऑल द प्रॉपर डायरेक्शंस विच इनेबल्ड हर टू रीच द बर्थडे पार्टी ऑन टाइम। इट हैड, इट मीन्स इट यहाँ पे है जो इनविटेशन कार्ड या जो रूट मैप था, ऑल द प्रॉपर डायरेक्शंस, उस रूट मैप पे सारी पूरी तरह से दिशाएं लिखी हुई थी। विच इनेबल्ड, ई एन ए बी एल ई डी, इनेबल्ड होता है बेसिकली हम कह सकते हैं ना कि किसी को सक्षम बनाना, टू मेक इट पॉसिबल, इनेबल्ड, टू मेक इट पॉसिबल, कोई चीज़ होती है ना डिसेबल फिर हम उसको इनेबल कर देते हैं, तो देन लाइक वी आर एबल टू, इनेबल मीन्स सक्षम। सो विच इनेबल हर, हर मीन्स राधिका। तो ये जो इतनी सारी सब कुछ लिखा हुआ था उस पर इन्विटेशन कार्ड के साथ जो रूट मैप अटैच किया हुआ था उस पर बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी। सो वो सब इनेबल्ड कर रही थी, सक्षम बना रही थी राधिका को टू रीच द बर्थडे पार्टी ऑन टाइम, ताकि राधिका जो जन्मदिन की जो पार्टी है, जो सेलिब्रेशन है, फंक्शन है, उसको टाइमली अटेंड कर सके, लेट ना हो, टाइम पर पहुंच पाए। ये ही इस पैराग्राफ के बारे में बताया। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, इसमें आपके माइंड में ये बात डालने की कोशिश की गई है कि जो रूट मैप है वो क्या होता है या मैप क्या होता है। ठीक है, मैं एक और अगर एग्जांपल दूं तो कई बार जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं वो अपना जब ऐड डालती हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन लो, तो पूरे इंडिया में अगर बहुत बड़ा कैंपस है तो वो रूट मैप डाल देता है अपनी स्कूल के बारे में कि अगर हमारी स्कूल में आना है तो जो नियर बाई सिटी है वहाँ से आप वहाँ तक आएँ, फिर वहाँ से हमारी स्कूल में कैसे आएँ, उसी को बोलते हैं रूट मैप। ठीक है, सो आज हम बात करते हैं मैप की। सो नाउ वी आर हियर मैप। मैप मीन्स मानचित्र, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज पॉलिटिकल या पॉलिटिकल मैप, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। ठीक है, सो मैप को जानते हैं। सबसे पहले मैप क्या होता है, मानचित्र क्या होता है। अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस विद अ स्केल। सो मैप या मानचित्र इज अ ड्रॉइंग, चित्रकारी है, चित्रकारी तो है, ऑफ अ प्लेस या तो किसी जगह के बारे में, और अ पार्ट ऑफ इट या उस जगह के किसी एक छोटे पार्ट के बारे में, हिस्से के बारे में। ठीक है भाई, हो सक मैप अगर हम जयपुर की बात करते हैं तो या तो पूरे जयपुर को दिखाएगा वो मैप, या हो सकता है जयपुर में किसी एक पार्ट को, किसी एक कॉलोनी, किसी एक सोसाइटी को दिखाए। ठीक है, सो मैप इज अ ड्रॉइंग, मैप या मानचित्र एक ड्रॉइंग है, चित्रकारी है, एक प्लेस के बारे में, एक जगह के बारे में या जगह के छोटे हिस्से के बारे में, ऑन ए फ्लैट सरफेस विद अ स्केल। ठीक है, फ्लैट सरफेस, देखिए कुछ होते हैं फ्लैट सरफेस, एक होते हैं 3D सरफेस, वो अलग सब्जेक्ट है। तो फ्लैट सरफेस वही होता है जैसे हमारा कागज पे हम कोई चीज डायग्राम बनाते हैं तो फ्लैट सरफेस बना रहे हैं। ठीक है, या हम अपने बोर्ड पे कोई डायग्राम बना रहे हैं, जैसे हम बेसिकली सर्किल बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, दैट मीन्स हम फ्लैट सरफेस पे बना रहे हैं। ठीक है, ऑन ए फ्लैट सरफेस विद अ स्केल, और स्केल का इसमें यूज किया जाता है। तो मैप के बारे में मैप की डेफिनेशन यही है, मैप की परिभाषा यही है। अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ ए प्लेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस विद अ स्केल। ठीक है, पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स, जो लोग मैप बनाते हैं उन लोगों को कहा जाता है कार्टोग्राफ। आर साइलेंस है इसमें, सी ए आर टी ओ जी आर ए पी एच ई आर। सो बेसिकली जब हम प्रोनंसिएशन करेंगे तो कार्टोग्राफ कहेंगे, थोड़ा सा आर साइलेंस है, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स मानचित्रकार या नक्शा नवीस।
कार्टोग्राफर मीन्स मानचित्रकार इन हिंदी या नक्शा नवीस, है कि नहीं? देखा होगा कई बार जब हम नया कुछ लोग नया घर बनाते हैं, नया घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सबसे पहले बेसिकली नक्शा बनवाते हैं। देखिए उसमें भी अलग अलग पार्ट है, एक आर्किटेक्चरल के हिसाब से देखें तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज हम नक्शे की बात करें तो जो नक्शा बनाता है हमारे लिए वो कार्टोग्राफ हो जाता है, नक्शा नवीस हो जाता है, ठीक है। हम उसको बताते हैं कि भाई हमारा चार रूम या एक किचन या एक हॉल बनाने का प्लान है, तो आप हमें नक्शा बना के दें, ठीक है, उसी को बोलते हैं नक्शा नवीस या कार्टोग्राफर्स। भाई हर जो जैसा काम करेगा उसके आधार पे उसको डेफिनेशन दी जाएगी। अब जो खेती का काम करते हैं उसको फार्मर कहा जाता है, किसान कहा जाता है, है ना, जो हमारे शरीर की देखभाल करते हैं उनको डॉक्टर्स कहा जाता है, ठीक है, जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं उसको टेलर कहा जाता है, जो कपड़े सिलते हैं, स्टिचिंग करते हैं। सो जो जैसा काम करेगा, जो मैप बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफर, यानी कि मानचित्रकार या नक्शा नवीस। सो स्टडी ऑफ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, और मैप की जो स्टडी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी, ठीक है, ये भी इजी है। सो मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर शोन इन द मैप। जो मानचित्र हैं वो कई तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स, कि वो जो मानचित्र है क्या फीचर्स दिखा रहे हैं, उन फीचर्स के आधार पर मानचित्रों को कई भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक बार फिर से इस लाइन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो मानचित्र होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर शोन इन द मैप, जो मैप के अंदर जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो मैप क्या दिखा रहा है, उस आधार पे मैप्स को कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है पॉलिटिकल मैप, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो हम पॉलिटिकल मैप को जानते हैं, ये क्या होता है, पॉलिटिकल मैप शोज द डिफरेंट स्टेट्स, कंट्रीज, नेशनल्स बाउंड्रीज। जो भौतिक, जो अपना पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक मानचित्र है, वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, डिफरेंट स्टेट्स, यानी भारत का अगर हम पॉलिटिकल मैप की बात करें तो पॉलिटिकल मैप सभी स्टेट्स को दिखाएगा, भाई ये महाराष्ट्र की बाउंड्री है, ये महाराष्ट्र है, या ये अरुणाचल प्रदेश है, या वटवरे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। सो बेसिकली इन सारे स्टेट्स की वो बाउंड्री दिखाएगा, उसको हम पॉलिटिकल मैप करते हैं। साथ ही साथ वो क्या दिखाते हैं, कंट्रीज भी दिखाते हैं, भाई अगर जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज क्या हैं, हम वर्ल्ड का अगर पॉलिटिकल मैप लें तो वो सभी देशों को दिखाएंगे, ठीक है, भाई ये इंडिया का एरिया है, ये पाकिस्तान का है, ये यूएसए का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। सो ये वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप दिखाएगा, जिसको हम वो राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। एंड नेशनल बाउंड्रीज, और हर कंट्री की जो बॉर्डर है, ठीक है, उनको दिखाएगा। तो ये हो गए पॉलिटिकल मैप। सो पॉलिटिकल मैप बेसिकली स्टेट दिखाते हैं, जो अपने देश होते हैं उनके बॉर्डर्स दिखाते हैं, ठीक है, इन्हीं को दिखाते हैं, ठीक है, समझ गए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल मैप है, आपकी अपनी बुक में भी इसका मैप दिया हुआ है, पॉलिटिकल मैप्स, जैसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया गया है। सो यू विल गेट ए आइडिया जब आप इस मैप को देखेंगे। सो आप देखेंगे किस तरह इसमें सभी स्टेट्स को दर्शाया गया है, कि ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, वट एवर। सो यहाँ पे सभी स्टेट्स को दिखाया गया है, बॉर्डर बनाया गया है स्टेट्स के बीच में, जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज हैं वो दिखाया गया है। सो आप जो फोर्थ क्लास में उसके लेवल से ही जितना बताना चाहिए वो ही बताया गया है इस बुक में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। अब हम बात करते हैं फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र, फिजिकल। अब फिजिकल मैप शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस लाइक द माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, एक्सेट्रा।
तो फिजिकल मैप है, भौतिक मानचित्र है, वो क्या दर्शाता है? फिजिकल थिंग्स लाइक हम हिल्स हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है, रिवर नदियां हो गई, लेक्स झीलें हो गई, तो ये सब चीज़ें फिजिकल मैप में हमें देखने को मिलेंगी। पॉलिटिकल मैप में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे लेक्स हैं। लेकिन आप अगर हमें ये चीज़ें देखनी है तो उसके लिए हमें मार्केट से बेसिकली फिजिकल मैप बाई करना होगा, या आजकल तो हम गूगल वगैरह में भी देख लेते हैं। सो फिजिकल मैप शोज द फिजिकल, भौतिक चीज़ें दिखाएगा, भौतिक फीचर्स दिखाएगा जहाँ का हमें फिजिकल मैप लेना है। अगर मान लो हमने राजस्थान का फिजिकल मैप लिया तो राजस्थान की जो भौतिक फिजिकल फीचर्स हैं, भौतिक विशेषताएं, वो दिखाएगा। या अगर हमने गुजरात का फिजिकल मैप लिया तो गुजरात की फिजिकल फीचर्स दिखाएगा। फिजिकल फीचर्स में क्या आते हैं भाई? माउंटेन आ गए। अगर हमने गुजरात का लिया तो गुजरात के अंदर कितने माउंटेन हैं, कहाँ कहाँ हैं, रिवर कितनी है, लेक्स कहाँ हैं, एक्सेट्रा, ये सारी आएंगी फिजिकल मैप्स में। अगर हमने इंडिया का फिजिकल मैप लिया तो पूरे इंडिया का हमें हिल्स, रिवर्स, लेक्स, ये सब दिखाएगा, ठीक है। सो जो बेसिकली कुल मिला के स्टोरी का जो कंक्लूजन ये है कि जो फिजिकल मैप है ये फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, यानी कि भौतिक मानचित्र, भौतिक जो फीचर्स हैं वो बताएगा। अब वहाँ जहाँ का हम मैप लेंगे वहाँ के भौतिक फीचर्स बता देगा। अगर हमने हरियाणा का मैप लिया तो हरियाणा के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो हमें हरियाणा वाले मैप में मिल जाएंगे, ठीक है। सो डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड ऑन ए फिजिकल मैप टू डिपिक्ट डिफरेंट फीचर्स। डिपिक्ट एक वर्ड है, DEPICT, चित्रित करना। सेंटेंस बोल रहा है कि डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड, अलग अलग रंगों का यूज किया जाता है ऑन ए फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र में, टू डिपिक्ट, चित्रित करने के लिए डिफरेंट फीचर्स, अलग अलग फीचर्स को, भाई हिल्स हैं, पहाड़ों को दिखाने के लिए अलग कलर का यूज किया जाएगा। अगर हमें रिवर दिखानी है, बेसिकली हमें नहीं, अगर रिवर दिखानी है उस फिजिकल मैप में तो अलग कलर यूज किया जाएगा, ठीक है, या लेक्स दिखानी है तो अलग कलर यूज किया जाएगा। सो इजीली आइडेंटिफाई जो देखने वाला है वो इजीली जान सके, उसको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ये है फिजिकल मैप का मतलब। एक बार पूरा इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र। अब फिजिकल मैप शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए प्लेस लाइक द माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, एक्सेट्रा। जो भौतिक मानचित्र है वो एक विशेष जगह की भौतिक विशेषताएं दिखाते हैं, जैसे कि पहाड़, नदियां, झीलें और भी हो सकती है। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड ऑन ए फिजिकल मैप टू डिपिक्ट डिफरेंट फीचर्स। अलग अलग विशेषताओं को दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र में अलग अलग रंगों का यूज किया जाता है। फीचर्स, कलर्स, जो फीचर्स जो कलर होते हैं, जैसे हम कुछ फीचर्स का बात करेंगे और कलर्स का बात करेंगे। अगर सैलो वाटर है, सैलो वाटर मतलब जहाँ पे कम पानी है, उस कम पानी को अगर दिखाया जाता है तो उसके लिए लाइट ब्लू कलर यूज़ किया जाता है। देखिए पानी के लिए जनरली हम ब्लू कलर ही यूज़ करते हैं क्योंकि पानी का कलर ब्लू होता है, लेकिन अगर वो सैलो वाटर को दिखाया जाता है यानी कि वो पानी जो कम गहरा है तो लाइट ब्लू कलर का यूज किया जाता है। डीप वाटर, अगर डीप वाटर है, गहरा पानी है, तो उसको दिखाने के लिए डार्क ब्लू कलर का यूज किया जाता है। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, जंगल है और जहाँ पे घास वाले जो मैदान हैं, जमीन है, उसके लिए ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है। डेजर्ट्स, जो रेगिस्तान है, उसको दिखाने के लिए येलो कलर का यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे देखिए फिजिकल फीचर्स हैं। हमने बात की ना, पहाड़ भी फिजिकल फीचर्स हैं, रिवर भी फिजिकल फीचर्स हैं, लेक्स भी फिजिकल फीचर्स हैं, वाटर चाहे वो सैलो वाटर हो, डीप वाटर हो, वो भी फिजिकल फीचर्स हैं। फॉरेस्ट भी फिजिकल फीचर्स में आता है। अगर डेजर्ट्स हैं तो डेजर्ट्स भी फिजिकल फीचर्स में आता है, ठीक है। सो अगर डेजर्ट्स को दिखाना है तो कलर येलो लिया जाएगा। हिल्स एंड माउंटेन्स को दिखाना है तो कलर ब्राउन लिया जाएगा, और रोड्स एंड पॉपुलेशन को दिखाना है तो रेड कलर का यूज़ किया जाता है। तो ये सब है फिजिकल मैप के बारे में हमने पढ़ा, जो फीचर्स हैं, कई सारी फीचर्स के बारे में हमें पता लगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि इन फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर सैलो वाटर है तो ब्लू, लाइट ब्लू कलर
यूज किया जाता है, डीप वाटर है तो डार्क ब्लू कलर यूज किया जाता है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के लिए ग्रीन कलर का यूज किया जाता है, डेजर्ट्स जो रेगिस्तान होते हैं उनके लिए येलो कलर का यूज किया जाता है, हिल्स एंड जो माउंटेन्स होते हैं पहाड़ उनके लिए ब्राउन कलर का यूज किया जाता है, रोड्स जितने भी रोड हैं या पॉपुलेशन मीन जनसंख्या है उसको दिखाने के लिए रेड कलर का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप को हिंदी में हम कहते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र। अब देखिए इसके वर्ड से ही काफी कुछ हमें मालूम चल जाता है कि जो टोपोग्राफिक मैप है वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। स्थलाकृतिक मानचित्र, स्थल मीन्स जमीन, स्थलाकृतिक की भाई जमीन की जो आकृति है उसके बारे में जो बताने वाले जो मानचित्र हैं उनको हम बोलते हैं टोपोग्राफिक मानचित्र। चलो बुक के हिसाब से बात करते हैं। दीज मैप्स आर लाइक द फिजिकल मैप्स, ये भी फिजिकल मैप्स की तरह होते हैं, जो भौतिक मानचित्र होते हैं उनकी तरह होते हैं। दे यूज लाइन्स इंस्टीड ऑफ कलर्स, इन मैप्स में लाइनों का यूज किया जाता है कलर की बजाय, कलर यूज नहीं किया जाता। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो फिजिकल मैप्स हैं उसमें अलग अलग कलर यूज किए गए अलग अलग फीचर्स को दिखाने के लिए, लेकिन जो टोपोग्राफिक मैप है स्थलाकृतिक जो मैप है इसमें अलग अलग फीचर्स को दिखाने के लिए लाइन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, सो दे यूज लाइन्स इन स्टीड ऑफ कलर्स टू शो द चेंज इन द लैंडस्केप। कहीं भी लैंडस्केप में, लैंडस्केप को हम हिंदी में कहते हैं परिदृश्य या सीनरी, तो जहाँ पे भी उस सीनरी में चेंज हुआ उस चेंज को दिखाने के लिए इनमें अलग अलग लाइंस का यूज किया जाता है, जबकि फिजिकल मैप में क्या था कलर का यूज किया जाता। तो ये बाकी ये भी लगभग लगभग वही होते हैं। दीज मैप्स आर लाइक द फिजिकल मैप्स, ठीक है, दे यूज लाइन्स इन स्टीड ऑफ कलर्स टू शो द चेंज इन द लैंडस्केप। सो बेसिकली इसमें लैंडस्केप को दिखाया जाता है और जहाँ भी लैंडस्केप या परिदृश्य या सीनरी में जहाँ पे चेंज हुआ उसको लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है, इसी को कहा जाता है टोपोग्राफिक मैप। लास्ट में हमारा आता है थीमेटिक मैप, जिसको हिंदी में कहते हैं विषयगत मानचित्र, थीमेटिक मैप्स विषयगत मानचित्र। अब इसमें जो थीमेटिक मैप्स हैं वो किसी एक सब्जेक्ट किसी एक विषय के बारे में बताते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम राजस्थान के टोपोग्राफिक राजस्थान के थीमेटिक मैप में हम अगर राइस की बात करें कि भाई राजस्थान में राइस उत्पादन को दिखाना है थीमेटिक मैप में, सब राजस्थान में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं सो केवल राजस्थान में जो राइस की पैदावार कहाँ कितनी होती है उस चीज़ को दिखाने के लिए जो थीमेटिक मैप का अगर यूज़ किया जाएगा तो पूरे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज राइस की पैदावार को शो किया जाएगा दिखाया जाएगा। या हम पूरे इंडिया की अगर बात करें और हमें राइस प्रोडक्शन को दिखाना हो इंडिया में और थीमेटिक मैप के जरिए दिखाना हो तो किस बेसिकली कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो राइस पैदावार में अच्छे हैं सो वो थीमेटिक मैप में दिखाया जाएगा। सो थीमेटिक मैप शोज अ पर्टिकुलर फीचर्स ऑन ए मैप, जनरली एक ही सब्जेक्ट को इसमें जनरली एक बार में दिखाया जाता है, लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फॉरेस्ट क्रॉप्स ग्रोन एक्सेट्रा। भाई हमें दिखाना होगी जो पॉपुलेशन का बंटवारा, हमारे देश की अगर बात करें कि कहाँ पे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है कहाँ पे कम है किस तरह है, अगर उसको दर्शाना हो थीमेटिक मैप में सो वो भी दर्शाई जा सकती है। या इसमें बोला है फॉरेस्ट जंगलों को अगर दर्शाया जाए कि कहाँ पे जंगल ज़्यादा है कहाँ पे कम है तो ये जो सब्जेक्ट है इसको लेके भी थीमेटिक मैप बनाया जा सकता है। या मैंने बात की राइस या कोई पर्टिकुलर क्रॉप्स कोई भी ऐसी फसल को दिखाया जाना हो थीमेटिक मैप में तो भी आसानी से दिखाया जा सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, सो यही है थीमेटिक मैप में। तो एक बार फिर समराइज करते हैं थीमेटिक मैप को। सो थीमेटिक मैप शोज ए पर्टिकुलर फीचर्स ऑन ए मैप लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फॉरेस्ट क्रॉप्स ग्राउंड एक्सेट्रा।
ठीक है, जो थीमेटिक है बेसिकली, जो थीमेटिक, देखिए अगर थीमेटिक वर्ड को हम देखते हैं तो कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट है ना, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है, विषयगत, जिसको हिंदी में कहते हैं विषयगत, है ना। जैसे राइस प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन कौन से हैं, अगर उसको दिखाना हो थीमेटिक मैप में, तो बेसिकली यहाँ सब्जेक्ट हो गया राइस, सो कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कनेक्टेड होके उसको, उसकी फीचर्स को बताता है, इसी को बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन, दिशाएं। वी नो दैट देर आर फोर कार्डिनल डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। भाई हम सब जानते हैं कार्डिनल, कार्डिनल मीन्स मेन, मुख्य, सी ए आर डी आई एन ए एल, कार्डिनल को इन हिंदी हम कहते हैं मुख्य, प्रधान, मेन। सो वी नो दैट देर आर फोर कार्डिनल डायरेक्शन, भाई चार दिशाएं होती हैं, है ना, होती है कि नहीं, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। हिंदी में हम कह सकते हैं वेस्ट को पश्चिम कहते हैं, और ईस्ट को पूर्व कहते हैं, नॉर्थ को उत्तर कहते हैं, और साउथ को दक्षिण कहते हैं, ये हिंदी में कहते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, नॉर्थ को उत्तर, साउथ को दक्षिण, ईस्ट को पूर्व और वेस्ट को पश्चिम, ठीक है। तो ये चार दिशाएं होती हैं। बिजाइड्स दीज देर आर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इनके अलावा, बिजाइड्स मीन्स इनके अलावा, देर आर फोर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को हिंदी में कहते हैं मध्यम, इनके अलावा चार मध्यम डायरेक्शंस भी होते हैं, दिशाएं होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये होगी इंटरमीडिएट डायरेक्शन, मीन्स मध्यम दिशाएं, ठीक है। चार तो मेन दिशाएं होगी और चार होगी आपकी मध्यम दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। अब कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए जो यंत्र यूज में लिया जाता है उसको कहा जाता है कंपास। देखिए कंपास का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जो डायरेक्शन का पता लगाता है। इतना सा एक छोटा सा पोर्टेबल इक्विपमेंट होता है जिसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। कंपास बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, डिपेंड करता है हम किस पर, मतलब कहाँ पे उसको फिट करें। जो पानी के अंदर जो जहाज शिप चलते हैं उनमें थोड़े से बड़े कंपास होते हैं, नॉर्मली जो लोग कंपास भी रखते हैं, छोटे कंपास भी रखते हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं, जंगलों इत्यादि में जाते हैं, अगर उनको दिशा का भ्रम हो जाता है तो बहुत ही छोटे कंपास होते हैं जिसको हम इजीली अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है। सो कंपास का काम है दिशा को बताना। कंपास को जब हम हाथ में लेंगे तो हमें इजीली मालूम चल जाएगा कि किस साइड में उत्तर है, किस साइड में साउथ है, या किस साइड में पूर्व है या पश्चिम है, व्हाटएवर, ठीक है। पूरा बिकॉज कंपास जो अपना 360 डिग्री है वो पूरी तरह से हमें किस, मतलब 00 डिग्री या नॉर्थ जो है किस में है, मतलब डिग्री टू डिग्री हमें कंपास से मालूम चल जाता है, ठीक है। सो कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। आई थिंक बहुत से आप में से कंपास को देखा भी होगा, या आप नेट वगैरह पे देख सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, अपना यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल टेक इन द सेकेंड क्लास। Please go through this video carefully and I will give you the hard words separately in PDF. I will explain the hard words separately through the video, and on completion of the chapter I will also give you say solution sheets. Okay, guys, have a great day. Bye bye.